सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडो हित को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ रिलायंस जियो के बारे में। तो रिलायंस जियो की तरफ से बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं अपने जो प्लान्स हैं उनमें, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि जो आप पहले फ्री में जितने भी पूरा दिन अनलिमिटेड कॉलिंग कर रहे थे, अब वो बंद होने वाली है। अब सिर्फ आपको दिन में 300 मिनट ही दिया जाएगा। तो ये जो पहला जो बहुत बड़ा चेंज है रिलायंस जियो की तरफ से, ये मैं आप लोगों को बता दिया कि जो पहले आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब आप दिन में सिर्फ 300 मिनट ही कॉलिंग कर पाइएगा, और पूरे हफ्ते में 1200 मिनट, और पूरा जो मंथ है उसमें सिर्फ 3000 मिनट आप कॉल कर पाइएगा। तो ये एक बड़ा चेंज किया है यहाँ पर रिलायंस जियो ने। पता नहीं क्यों चेंज किया गया, बताया जा रहा था कि जो रिलायंस के कॉल के जो मिसयूज़ हो रहे थे, इसी के कारण रिलायंस ने ये कदम उठाया और हमें सिर्फ 300 मिनट पर डे दिया जाएगा। तो ये तो एक पहला चेंज हो गया, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा कि क्यों इसे चेंज किया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो ट्राई ने एक नया रूल निकाला था जिसमें अगर आप दूसरे नेटवर्क पर कॉल करते थे तो उसकी रेट भी कम कर दी गई थी। पहले जो हमें 14 पैसे देना पड़ रहा था, अब वो सिर्फ 6 पैसे दे रहे थे, फिर भी से यहाँ पर 300 मिनट ही कर दिया गया है। तो दूसरा चेंज की बात करूँ तो जो आपको 149 वाला प्लान था, सॉरी 148 वाला प्लान, 148 शायद 149, तो उसी प्लान में आपको 2 GB डेटा मिल रहा था पूरे मंथ के लिए। तो वो तो सेम है, लेकिन जो उसकी स्पीड है, अगर आप 2 GB यूज़ कर ले तो उसकी स्पीड आप 84 KBPS की हो जाएगी, जो पहले 120 KBPS की थी। तो एक भी चेंज है, पता नहीं रिलायंस जो उस बिना बताए चलते ऑफर के बीच में ही वो सब चेंज कर रहे हैं। तो ये सब तो ठीक नहीं है, कम से कम कस्टमर्स को बताना चाहिए कि हाँ चेंज कर रहे हैं। हाँ ये तो बता दी है कि हमें सिर्फ 300 मिनट ही दिया जाएगा, लेकिन ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे प्लान्स के बीच में चेंज करना ठीक नहीं है। मैं रिलायंस जियो को सपोर्ट करता हूँ। रिलायंस जियो के आने के बाद ही हमें जो आज 200-250 रुपये में 70 GB डेटा मिल रहा था, उस रिलायंस जियो के आने से पहले वही हमें 250-200 रुपये में सिर्फ 1 GB ही डेटा दिया जा रहा था। तो एक तो चेंज की गई है, लेकिन रिलायंस जियो को बताना चाहिए अपने कस्टमर को कि क्या क्या हो रहा है। तो मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको मैंने कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और प्लीज़ आप इस न्यूज़ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए था कि रिलायंस जियो क्या ठीक कर रहा है या फिर अपने कस्टमर को इसे बताना चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी पहुँच जाए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।